हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज हम इस वीडियो में आपको मल्टीमीटर किस तरह से रिपेयर करते हैं आज हम बताएंगे। फ्रेंड्स, यूट्यूब में बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी का जो कोड नंबर होते हैं, रेजिस्टेंस कोड नंबर और उनका जो वैल्यू होते हैं, इसके बारे में बताया, लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। आप देख सकते हो अलग अलग कंपनी है, तो अगर आप इस कंपनी का देख के इसे रिपेयर करने जाओगे तो नहीं होगा, ये और भी गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि किसी ने इस कंपनी का नहीं बताया, और ये जो कंपनी है ये डुप्लीकेट है। ये इसका जो लॉटरी है ये पूरा फ्री हो जाता है, जितना भी ये है पूरा फ्री हो जाता है। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ जितना मैं लॉकडाउन में खरीदा था, क्योंकि ये ओरिजिनल वाला नहीं मिल रहा था जिसके कारण मैंने ये सब खरीदा था, लेकिन ये दो दिन में फ्री हो जाता है। लेकिन आप इसको जब देखोगे ये फ्री नहीं होगा, ठीक है। इसमें आप कितना भी खराब रहे, पुराना रहे, लेकिन ये खराब नहीं होगा। बैंड स्विच इसका जो रॉटरी है खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, दोनों मल्टीमीटर को किस तरह से रिपेयर करते हैं, और इस दोनों मल्टीमीटर का जो SMD रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका कोड और वैल्यू के बारे में हम पूरा डिटेल्स में डायग्राम के साथ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा खराबी क्या होता है, ज़्यादा खराबी आप देख सकते हो, ये कंटिन्यूटी मोड है, ये जो डायोड का मार्क किया हुआ है ये कंटिन्यूटी मोड है, और कंटिन्यूटी मोड पर रख के आप रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट करते हो, और गलती से आप वोल्ट मेजर कर लेते हो, AC वोल्ट हो या DC वोल्ट हो, गलती से आप मेजर कर लेते हो, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादातर खराबी यही होता है कि आप गलती से कंटिन्यूटी मोड पर रख कर वोल्ट मेजर कर लेते हो, चाहे AC हो या DC हो। अब दूसरा नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स इसमें खराबी, AC वोल्ट चेक करने पर रीडिंग गायब हो जाना। AC वोल्ट जब चेक करते हो तो यहाँ जो रीडिंग उठते हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ जो डिस्प्ले पर रीडिंग आता है तो ये गायब हो जाते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और तीसरा फॉल्ट है कि मल्टीमीटर अपने आप गलत वैल्यू दिखाना घटती बढ़ती। क्या होता है कि आप मल्टीमीटर में कुछ भी मेजर करते हो तो ये अपने आप इसका जो वैल्यू है बढ़ जाता है या घटता है, मतलब इसका रीडिंग घटता बढ़ता है। और चौथा नंबर जो खराब है, कुछ आप चेक करते हो तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पर माइनस दिखाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह माइनस दिखाता है। तो चौथा नंबर गलती भी के रीजन भी हम बताएंगे आपको। और पांचवा नंबर जो है कि AC तथा DC वोल्ट चेक करने पर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, ठीक है। AC तथा DC वोल्ट का आप जब मेजर करते हो तो इसका वैल्यू जो है तो इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो सारे चीज़ के हम बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसे रिपेयर करने के लिए आपको इसके अंदर जो पार्ट्स लगा हुआ है, जैसे कि आपको अभी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, कंडेंसर है, PF है, सारा चीज़ के बारे में आपको जानना है कि कौन सा रेजिस्टेंस कितना वैल्यू का है। तो इसमें कोड रहता है फ्रेंड्स, तो सभी दोस्तों ने इसी कंपनी के बारे में बताते हैं, मैंने देखा यूट्यूब में सभी दोस्तों ने इसी कंपनी के बारे में बताया है, लेकिन ये मल्टीमीटर तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल मल्टीमीटर के बारे में कोई नहीं बताया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में मैं आपको इस मल्टीमीटर के बारे में भी बताएंगे, इसका रेजिस्टेंस के बारे में और इस मल्टीमीटर के बारे में, मतलब दोनों जो है, दोनों मल्टीमीटर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, आज के बाद आप बहुत ही आराम से इसे रिपेयर कर दोगे। तो चलिए हम इसका वैल्यू के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम कौन सा बीमार होने पर कौन सा रेजिस्टेंस ख़राब होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दोनों अलग अलग मल्टीमीटर है, ठीक है। चलिए हम अब इसके पीछे साइड में आ जाते हैं, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें भी 23 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपको यहाँ अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें 23 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें भी 23 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें एक कैपेसिटर ये वाला देख सकते हो, इसमें भी एक कैपेसिटर है, लेकिन इसका जो सीरियल नंबर है वो अलग अलग है, और उसका कोड और वैल्यू इन दोनों के साथ नहीं मिलेगा, ये अलग अलग है। तो सभी दोस्तों ने इसके बारे में बताते हैं, लेकिन हम दोनों के बारे में आपको बता देते हैं। तो चलिए आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो एक नंबर रेजिस्टेंस है, आपको अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक नंबर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और इसका यहाँ पर एक नंबर रेजिस्टेंस है, ठीक है।
तो इसका जो वैल्यू है इसका नंबर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना के रखा हूँ। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है, देख सकते हो ये वाला मल्टीमीटर का ये है। अब देख सकते हो यहाँ पर इसका जो डायग्राम है, इस वाला मल्टीमीटर का है, और ये वाला आप डायग्राम आप देख सकते हो जिसका मैं कोड और वैल्यू लिख के रखा हूँ, तो इस वाला ये वाला मल्टीमीटर का है। तो हम अब आपको बताएंगे कि इसका जो एक नंबर है, रेजिस्टेंस एक नंबर है, तो इसका कोड है 514 और इसका वैल्यू है 510 की, ठीक है। अगर आपका रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है, मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है एक नंबर वाला, तो आप इस तरह से लगा सकते हो। आप डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दूंगा। तो आप देख सकते हो ये एक नंबर में और दो नंबर में, आप देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर और दो नंबर 510 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। इसका कोड है 514। लेकिन ये वाला जो मल्टीमीटर है, ये वाला मल्टीमीटर में एक नंबर में 224 का है, ठीक है। 224 कोड है और इसका वैल्यू है 220 के, ठीक है। और इसका दो नंबर वाला देख सकते हो आप, ये 514 है और 510 के है, 514 इसका कोड है। तो आप पूरा डायग्राम पहले ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आपको, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मल्टीमीटर जो है यूनिटी कंपनी का है, और इसका आप देख लीजिए सारा चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। देखिए आप यहाँ इस तरह से स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, ये आपका बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपका इस कंपनी का आप स्क्रीनशॉट जो है इस कंपनी का यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और अब मैं इस कंपनी का आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तभी आप जो है अब जाके इसे रिपेयर कर पाओगे। अब हम इसके ख़राबी के बारे में बताएंगे और कौन सा क्या ख़राब होने पर कौन सा रेजिस्टेंस ख़राब होता है उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। दोनों सेम है, लेकिन इसका जो कोड नंबर है या इसका जो रेजिस्टेंस नंबर है ये अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी रीज़न ये होता है, सबसे ज़्यादा ख़राबी होते हैं कि आप कंटिन्यूटी मोड पे रख कर, कंटिन्यूटी मोड पे रख देते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंटिन्यूटी मोड है, डायोड का निशाना है। इस कंटिन्यूटी मोड पे जब रख देते हो और आप गलती से वोल्ट मेजर कर लेते हो, चाहे डीसी हो या एसी हो, तो क्या ख़राब होता है। तो इसके लिए आप इस मल्टीमीटर के बारे में सभी दोस्तों ने बताया है, तो इस मल्टीमीटर के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जब आप कंटिन्यूटी मोड पे वोल्ट मेजर कर लेते हो, तो इसका जो 16 नंबर रेजिस्टेंस है 1.3 के ओम्स, आप देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर 16 नंबर, इसका कोड है 132 और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1.3 के, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीमीटर में मैं आपको दिखाता हूँ 16 नंबर रेजिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 16 नंबर रेजिस्टेंस जो 1.3 के ओम्स का है, ये ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण ये कंटिन्यू बीप, जब कंटिन्यू मोड पे आप रखते हो तो कंटिन्यू ये बीप का साउंड सुनाई देते हैं और कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाता है। आप जब डायोड मेजर करते हो या कुछ भी मेजर करते हो तो कुछ भी नहीं दिखाता है। तो आप इसके जगह इस रेजिस्टेंस को हटाकर आप 1.3 के दूसरा वाला रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। देख सकते हो मैंने इस यहाँ पर किए हैं, तो ये 16 नंबर में ये रेजिस्टेंस 1.3 के लगा हुआ रहता है। लेकिन इस मल्टीमीटर में आप देख सकते हो, इस मल्टीमीटर में 15 नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 15 नंबर रेजिस्टेंस में 132 कोड है, 132 कोड है और इसका 1.3 के ओम्स। देखिए ये 15 नंबर में है लेकिन यहाँ पर 16 नंबर में है, इसीलिए आप रिपेयर नहीं कर पाओगे अगर दोनों को नहीं समझोगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का मेरे साथ भी हुआ था, मैंने वोल्ट मेजर कर लिया था कंटिन्यूटी मोड पर और मैंने यहाँ पर 1.3 के ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये 15 नंबर में है और ये जो है 16 नंबर में है, ठीक है। तो आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले ली है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब दूसरा नंबर हम बीमार के बारे में बताएंगे, दूसरा नंबर जो खराबी होते हैं तो क्या खराबी होता है। तो दोस्तों आप एसी वोल्ट जब चेक करते हो तो रीडिंग गायब हो जाता है। तो एसी वोल्ट जब आप चेक करते हो रीडिंग गायब हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो दोनों मल्टीमीटर में यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो दोनों मल्टीमीटर में जो कैपेसिटर लगा हुआ है,
तो इसका जो यही ख़राबी होते हैं। दोनों में सेम वैल्यू का कैपेसिटर है, 104 J 100। तो दोस्तों अब भी जब भी आप रीडिंग गायब हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ रीडिंग दिख रहा है आप देख सकते हो, लेकिन ये गायब हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है 104 J 100 V का, इसको चेंज करना है। दोनों में सेम है, दोनों में अगर इस तरह का ख़राबी हो तो आपको इस तरह चेंज करना है। अब नंबर 3 बताएंगे हम, जब मल्टीमीटर अपने आप गलत वैल्यू दिखाते हैं। जब आप मल्टीमीटर में कुछ भी ऐसे ऑन करते हो तो अपने आप गलत वैल्यू दिखाते जा रहे हैं अपने आप, ठीक है, कभी बढ़ते हैं घटते हैं इस तरह का, तो इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों। तो इस तरह का प्रॉब्लम होने पर रेजिस्टेंस नंबर 6, इस मल्टीमीटर का रेजिस्टेंस नंबर 6, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हो 9000 का है, ये 900 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये वाला ख़राब हो जाते हैं। इसको आप चेंज करोगे तो इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस वाला जो मल्टीमीटर है फ्रेंड्स, इसका रेजिस्टेंस नंबर 9, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस नंबर 9, ये 9000 का है, 900 ओम्स का है, तो इसका 9 नंबर रेजिस्टेंस चेंज करना है, इसका 6 नंबर और इसका 9 नंबर, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग है, आप समझ चुके हो। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आपको करना है जो 900 ओम्स का रेजिस्टेंस है आपको चेंज करना है, ठीक है। अब हम खराबी नंबर 4 के बारे में बताएंगे दोस्तों। 4 नंबर खराबी क्या होता है कि आप कुछ जब भी चेक करते हो तो यहाँ पर माइनस दिखने लगता है, देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का माइनस आ जाते हैं, माइनस दिखने लगता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको इस मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस नंबर 7, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस नंबर 7, इसका कोड नंबर है 105, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ohm, तो रेजिस्टेंस नंबर 7 को आपको चेंज करना है, ठीक है, 7 नंबर रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों रेजिस्टेंस नंबर 7 है, इसे आपको चेंज करना है, कौन सा मल्टीमीटर में, इस मल्टीमीटर में, ठीक है, लेकिन इस मल्टीमीटर का भी 1 ohm रेजिस्टेंस चेक करना है, लेकिन इसका नंबर है रेजिस्टेंस नंबर 11, ठीक है, रेजिस्टेंस नंबर 11 आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस नंबर 11, इसको चेंज करना है, ये है यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस नंबर 11 है 105 1 ohm ओहा का, ठीक है, 1 ohm का है रेजिस्टेंस, ये इसको चेंज करना है। अब खराबी नंबर 5 के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। जब आप AC वोल्टेज चेक करते हो या DC वोल्टेज, AC तथा DC वोल्टेज को जब चेक करते हो तो इसका जो वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो इस तरह का प्रॉब्लम होने पर इस मल्टीमीटर का रेजिस्टेंस नंबर 5, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस नंबर 5, इसका कोड है 1000, ठीक है, और इसका ओम्स है 100 ohms, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को आपको चेक करना है, रेजिस्टेंस नंबर 5, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस नंबर 5, ठीक है, तो आपको चेंज करना है। लेकिन इस मल्टीमीटर में आपको क्या करना है दोस्तों, इस मल्टीमीटर का रेजिस्टेंस नंबर 10, देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस नंबर 10, 1000, 100 ohms, इसको चेंज करना है, रेजिस्टेंस नंबर 10। सो फ्रेंड्स, मैंने दोनों मल्टीमीटर का डायग्राम आपको दे चुका हूँ, और दोनों की खराबी के सेम रीजन होते हैं, खराबी एक ही होते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू है और इसका जो रेजिस्टेंस नंबर होते हैं वो अलग अलग है, वैल्यू सेम है लेकिन रेजिस्टेंस नंबर अलग अलग होते हैं, जिसके कारण आपको देखकर ही करना है। तो आप इस तरह का डायग्राम आप स्क्रीनशॉट लेके बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।